आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तुर्की में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई और पीछे छोड़ गया सिर्फ बर्बादी की दास्तां, जिसकी गवाही खुद वहां की तस्वीरें दे रही हैं। इस दुख की घड़ी में भारत ने दोस्त का फर्ज निभाया और अपने दोस्तों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां भेजी। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य के दौरान लगभग 30,000 लोगों को मलबे से सकुशल बाहर निकाला, वहीं शवों को भी उनके परिजनों के हवाले किया। ऑपरेशन दोस्त पूरा करने के बाद अब एनडीआरएफ की टीम वापस अपने वतन लौट आई है। ऐसे में एनडीआरएफ के आला अधिकारियों द्वारा टीम का भव्य स्वागत किया गया। ऑपरेशन दोस्त के दौरान टीम का कैसा अनुभव रहा, यहाँ जानते हैं जो उन्होंने खुद अब मुख से बयां किया। मेरी पूरी एक टीम वापस आ गई है, दूसरी टीम ऑन द वे है और यहाँ पे टोटल हम 5 महिलाएं गए थे और सभी लोग अभी वापस आ गए हैं। अगर मैं ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं, अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं, क्योंकि हर एक समय आप एक ड्यूटी भी कर रहे हैं लेकिन ड्यूटी ज्यादा आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाके समझ रहे हैं, साथ में इमोशनली सपोर्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो भी हम लोगों ने दिया। और अच्छा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूँगी, भगवान करे कि ऐसा कहीं पे भी ना हो, क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थिति थी वहाँ पे। आपने एकदम सही कहा है कि पहली बार महिला रेस्क्यूअर्स जो कि इंडिया से बाहर गई हैं काम करने के लिए, परिस्थिति बहुत कठिन थी क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले तो वेदर कंडीशन एकदम ही चेंज थी और अगर हम बात करें कि अलग से कोई एकोमोडेशन तो वो नहीं था, लेकिन हाँ हम सभी ने मिलके एक बहुत ही अच्छी एक टीम के रूप में काम किया। परिस्थिति कैसी भी रही लेकिन हम लोग एक साथ रहे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। अभी तो 47 सदस्यीय टीम हमारी यहाँ पर इंडिया में लैंड कर चुकी है हिंडन एयरपोर्ट पे और इसके बाद जो नेक्स्ट टीम है वो 51 रेस्क्यूअर्स की टीम, वो अभी 3 से 3.5 घंटे के बाद हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। ऑपरेशन तो बहुत ही टफ था मैं कहूँगा, तो बस ये है कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मतलब सोच सकते हैं कि जो शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहाँ के जो फैमिलीज हैं उनकी, जो उनके रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी मतलब परेशान थे, काफ़ी दुखी थे और हमारे द्वारा बस ये था कि हम जो कर सकते थे उनके फैमिलीज को, उनके रिलेटिव्स की बॉडीज प्रोवाइड करा सकते थे, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल सकते थे, तो हमने अपना पूरा प्रयास यही किया कि हम जितनी जल्दी उनके रिलेटिव्स के बॉडीज को कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकाल सके वो हमारे लिए अच्छा रहता, तो हमने वही कोशिश किया और इसी बीच हमें 2 लाइव विक्टिम को भी बचाने में सफलता हासिल हुई थी। जो हमने रेस्क्यू किया इसमें 2 लाइव विक्टिम और 83 के जो है डेड बॉडी रिकवर करी है। वहाँ का जो माहौल था बेहद डरावना था, पहली बार ऐसा इतने बड़े पैमाने पर विध्वंस जो देखा वो पहली बार हम लोगों ने देखा, तो थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन जो कि जैसे हमारी ट्रेनिंग है, एक तो तापमान वहाँ का ये बहुत मैटर कर रहा था लेकिन हमारे रेस्क्यूअर्स क्योंकि उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो बिल्कुल फिट थे, उन्होंने अपने को एक्मेटाइज किया। इसके बाद रेस्क्यू सुबह से लेकर के देर रात तक हम लोग रेस्क्यू वॉक करते थे। एक चीज़ जो सबसे अच्छी वहाँ की लगी, वहाँ के लोगों की कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना, कितना भी काम हो, खाने पीने का हो, हमारा लॉजिस्टिक का हो, तुरंत वो लोग सहयोग करने को तैयार होते थे, तो ये वहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा स्पेशली डॉग स्कॉट वेल ट्रेन डॉग है सर, ये 8 थंडर गाजियाबाद के, और सर इनकी भूमिका ऑपरेशन में, टर्की ऑपरेशन में बहुत अच्छी भूमिका रही सर, इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी टीम को और बहुत अच्छा काम किया सर।